नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 27 जुलाई 2018 की हमारी स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। देखते हैं भैया बाजार में आज क्या क्या हुआ और अंत में देखेंगे निफ्टी का टेक्निकल व्यू कि निफ्टी का टेक्निकल व्यू क्या कहता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से। भैया इनको 34% का दोस्तों मुनाफा हुआ है और कंपनी ने 201 करोड़ रुपए के मुकाबले पिछले तिमाही के मुकाबले 259 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और शेयर लगभग 1% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंस अच्छा करते हुए आ रहा है बहुत पहले से और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करता ही रहेगा। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है ITC की तरफ से। कंपनी को 10% का मुनाफा हुआ और कंपनी ने 2560 करोड़ के मुकाबले 2818 करोड़ का लाभ कमाया और स्टॉक में यह तेजी बहुत ज़्यादा देखने को मिली 5% की बढ़त के साथ ये दोस्तों बंद हुआ आज। चलिए तीसरा दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है एलेम्बिक फार्मा की तरफ से। इनको जो है 35% का मुनाफा कमाया पिछले क्वार्टर के मुकाबले और इस कंपनी ने 66 करोड़ रुपए के मुकाबले 90 करोड़ रुपए का मुनाफा इस तिमाही में कमाया और कंपनी के शेयर में लगभग 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है सिटी यूनियन बैंक से। भैया इन्होंने अपनी एक नई ब्रांच स्टार्ट करी है और ये जो ब्रांच है हैदराबाद में खोली गई है और इस खबर से थोड़ी सी बढ़त यानी लगभग 0.35% की बढ़त के साथ स्टॉक जो है आज बंद हुआ। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है लुपिन की तरफ से। लुपिन ने अमेरिका बाजार में एक नया स्प्रे उतारा है और जो ये दोस्तों स्प्रे है ये जेनेरिक डिसोक्स मेटोसोन टॉपिकल स्प्रे लॉन्च किया है इसका नाम है और इस स्प्रे का इस्तेमाल सराइसिस प्लेक की इलाज के लिए किया जाता है जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा है और बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम भी है। तो लुपिन के लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है और 0.10% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ। पॉइंट लगा रहा हूँ दोस्तों 10% नहीं 0.10% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है अदानी पोर्ट से। अदानी पोर्ट्स और ये गेल दोनों ने भैया आपस में हाथ मिलाया है और ये समझौता आने वाले समय में LNG आयात टर्मिनल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस पुनर्ग्रहणीकरण सेवाएं देने के लिए किया गया है और वहीं अदानी पोर्ट के शेयर में तकरीबन 1% की गिरावट और गेल के शेयर में 2.5% की बढ़त देखने को मिली। स्टार्टिंग में दोस्तों जो गेल चल रहा था गेल थोड़ा सा डाउन ही चल रहा था लेकिन अंत के 2-3 घंटों में इसने बहुत अच्छा रिकवर करा और एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। चलिए अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है हुडको NBCC और NTPC। दोस्तों जो सरकारी कंपनियां हैं इन तीनों कंपनियों में जो हुडको और NBCC है इसमें 10% और NTPC में 3% यानी 3% शेयर बेचने के लिए सरकार ने मन बना रही है या मान सकते हैं कि बेच ही रही है और इससे सरकार को तकरीबन 5,900 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और ये दोस्तों इनकी फाइनेंशियल हालत को देख के किया गया है। हालांकि ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, ये बैड न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि बर्तन बेच करके खाना खाने वाली बात है और इस तरीके से अगर स्टॉक कंपनी या सरकार बेच रही है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा इसके ऊपर। चलिए ये था दोस्तों आज का न्यूज़ अपडेट। अब देखते हैं भैया निफ्टी का टेक्निकल व्यू क्या कहता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि 11,283 रुपये का आज का हाई था निफ्टी का और बाजार नई ऊंचाई पे जाकर के बंद हुआ। दूसरा बैंक निफ्टी भी नई ऊंचाई पे गया और अगर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों पूरे दिन मार्केट बढ़ा ही है, कोई ऐसी वीकनेस नहीं दिखी, हमने लास्ट में भी कोई ऐसी वीकनेस नहीं दिखी, खास वीकनेस कोई भी नहीं थी जिससे हम ये जज कर सके कि मार्केट कल लुढ़क सकता है यानी अगले ट्रेडिंग डे पे लुढ़क सकता है। लेकिन एक दोस्तों यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन करके आता है जो हम मार्केट की चाल के हिसाब से जजमेंट करते हैं वो देख लेते हैं वो क्या है। तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज हुआ, क्लोजिंग भी उसने हाई के आसपास ही दी है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा बनता है वो क्या बनता है कि मार्केट या तो अपना हाई तोड़ दे, आज का जो हाई था लगभग उसका 11,283 यानी आप कह सकते हैं 11,285 पर अगर जाता है तो ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है और सपोर्ट लेवल जो एक बेहतरीन दिखता है वो दिखता है दोस्तों ये लगता है 11,250। इसको अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो बाजार नीचे जाने की पॉसिबिलिटी में आ जाएगा यानी संभावना बन जाएगी कि नीचे चले जाए।
तो ये दोस्तों दो लक्ष्मण रेखा है, या तो इसको तोड़ के ऊपर चले जाए या इसको तोड़ के नीचे चले जाए, जिसको आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद तो दोस्तों मैं यही कर रहा हूँ कि जो मैं मेथड यूज करता हूँ निफ्टी के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम किस टेक्निक को यूज करते हैं। हम बेसिकली प्राइस एक्शन के बेस्ड पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं और अगले दिन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो मोस्ट ऑफ टाइम एक्यूरेसी देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। दूसरा दोस्तों एक खास अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूंगा कि आपके हफ्ते भर में जितने भी कमेंट आते हैं, जितने भी लोगों के कमेंट आते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सभी को जवाब दिया जाए सैटरडे और संडे को, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा सा फ्री रहता हूँ। और पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी, अगर मेरे पास 500 कमेंट्स आए हैं, 500 सवाल आए हैं, तो 500 सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश आपको करूंगा सैटरडे और संडे दो दिन। तो हो सकता है कि किसी लोगों को, यानी आधे लोगों को सैटरडे में चले जाए और आधे लोग संडे को कवर हो जाए, लेकिन इन दो दिन में मैं पूरी तरीके से आपको 100% यानी हर किसी का जो सवाल होगा उसका जवाब जरूर आपको मिलेगा। और अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, थैंक्स करते हैं, तो मैं आपके कमेंट को लाइक और हार्टेड जरूर कर दूंगा। चलिए ठीक है, चलिए अब मिलता हूँ मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट दोस्तों।